हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्स सीरीज, जिसमें मैं आपको 11, 12, जेईई की पूरी फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। फर्स्ट यूनिट लेके आया हूँ इरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं व्हाट इज इरन, इरन क्या है। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि आपका जो ये शॉर्ट नोट है बहुत अच्छे से बन सकेगा। तो आइए समझते हैं इरन क्या होता है बेटा। तो देखिए इरन जो होता है एक्चुअल में, अगर हम लोग बात करें तो जो रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इरन। यानी इरन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बेटा रियल वैल्यू, रियल मतलब एक्चुअल वैल्यू जो आप जो है वास्तविक में है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या लिखेंगे बेटा? मेजर्ड वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। यानी एरर अगर हम लोग बात करें बेटा तो एरर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रियल वैल्यू, रियल मतलब आप लिख सकते हो एक्चुअल वैल्यू। क्या लिखोगे बेटा? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर, राइट। तो देखिएगा बेटा, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए बी माइनस, यानी ए बी का मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस एम बी मेजर वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं बेटा एरर। क्या बोलेंगे? एरर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एरर देयर आर टू टाइप के होते हैं, एरर आपके टू टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आपका रैंडम एरर। कौन सा एरर बेटा? रैंडम एरर क्या होते हैं एंड सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर, और इसे हम लोगों ने क्या बोला बेटा? रैंडम एरर। अभी देखिए जो सिस्टमेटिक एरर होता है, यानी सिस्टम में जो गड़बड़ी होता है, यानी जो वहां पे एरर होती है, उस एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। यानी ये एरर आपको ऑलरेडी पता होता है, यानी ये एरर जो होता है नोन टू अस, हमें पता होता है। जैसे आपने मार्केट से शक्कर लेने गए तो आप उसके स्केल में देख रहे हो पहले से 100 ग्राम बता रहा है, तो 1 किलो का शक्कर चाहिए आपको, 1 किलो शक्कर चाहिए, तो आप उसकी रीडिंग की ना देखोगे 1100 ग्राम देखोगे। यानी उसके जो सिस्टम है, सिस्टम में पहले से ही एरर दिख रही है, कितने की? 100 से, है ना, 100 की एरर दिख रही है। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है बेटा नोन टू अस, नोन टू अस हमें पता होता है, ये और रैंडम एरर अननोन टू अस हमें नहीं पता होता, अननोन टू अस। यानी ये एरर होता है जो रैंडम एरर, हमें नहीं पता क्यों एरर आई, बरसात तेज हो गई थी, धूप तेज हो गई, हवा तेज चल रही थी, गर्मी ठंडी किसकी वजह से हुआ हमें नहीं पता है ना, रैंडम एरर क्यों हुआ रीजन, समझ में। तो मेनली दो टाइप के आपके एरर होते हैं, क्या आपने समझा बेटा? एक तो होते हैं सिस्टमेटिक एरर एंड जो सेकेंड वन होते हैं रैंडम एरर। यानी रैंडम एरर जो होते हैं अननोन टू अस हमें नहीं पता है, और सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो नोन टू अस पहले से हमें पता होता क्यों गड़बड़ी आई, राइट। तो मेन वर्क जो करना होता बेटा हमें इनको पढ़ना होता, रैंडम एरर इसके लिए वर्किंग करनी पड़ती है हम लोग को, है ना, रीडिंग लेना पड़ता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। यानी हमें टारगेट ये होता कि एक्यूरेसी की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि जो रैंडम एरर होता है नोन टू अस, सिस्टमेटिक एरर अननोन टू, मतलब सिस्टमेटिक नोन टू अस और रैंडम एरर अननोन टू अस होते हैं गाइस, ठीक है। आइए अब देखो क्या होता है मिनिमाइज टू रैंडम एरर, हम रैंडम एरर को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो बच्चे को इतना तो आइडिया होना चाहिए, यानी हम बात करें हम लिख सकते हैं बेटा मिनिमाइज, मिनिमाइज टू रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो आप लोग क्या लॉजिक लगा सकते हो, अगर हम लोग बात करें मिनिमाइज टू रैंडम एरर, रैंडम एरर को हमें मिनिमाइज करना, टेक एन रीडिंग, ऐसा हम इसी को आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूं बेटा, टेक्स एन रीडिंग, एन रीडिंग, रीडिंग का मतलब वही होता है प्रैक्टिकल। अगर हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतनी हम लोग एक्यूरेसी की तरफ चले जाएंगे बेटा, ठीक। तो सपोज करिए आपने रीडिंग कर लिया बेटा A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, कितना रीडिंग कर लिया आपने, एन रीडिंग। अब एन कुछ भी हो सकता है, आपने हजार बार किया, 100 बार किया, जो भी आपने किया बेटा रीडिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम लोग मीन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? मीन। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है बेटा, है ना, अर्थमेटिक मीन लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इसका कितना बनेगा, A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई NC डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा अर्थमेटिक मीन।
अभी ध्यान से सुनिएगा, अगला हम लोग बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, यानी इसके बाद फटाफट देखते रहिए क्योंकि रिवीजन चल रहा बेटा, है ना। रिवीजन टॉपिक है, बहुत स्लोली भी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे हम लोग बात करें कि फर्स्ट टाइम आपने रीडिंग किया तो फर्स्ट टाइम में भी आपने तो एरर किया बेटा, तो ये देखिए। और अगर मीन की बात करें तो मीन जो होता है उन वैल्यू में से थोड़ा एक्यूरेट होता है, यानी मीन वैल्यू को हम बोल सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू है, राइट। तो मीन वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट मान सकते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में से एक्यूरेट वैल्यू को निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम में आपने कितनी गड़बड़ी की, राइट। तो आप क्या करते हो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। जैसे हम बात करें बेटा एब्सोल्यूट, मैं एक थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट वन। तो वन में कितना आपने किया तो इसके लिए कैसे निकालते हो आप लोग, मान ए वन डिफरेंस लिख के ए एवरेज, मैं इसको ए एवरेज को ए बार दे दिया बेटा, क्या दे दिया ए बार। तो जो एब्सोल्यूट एरर आई पहले में तो उसे मान लेता हूँ बेटा डेल्टा ए वन मान लिया डेल्टा ए वन। ऐसे इसे आप सब में पता कर लो कि कितनी एरर आई, समझ में आ रहा बच्चा। तो देखो ऐसे आप क्या करोगे, डॉट डॉट करके मान लो हमने एन रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, तो ए वन डिफरेंस ए बार आपने ये निकाल लिया, सब में निकाल लिया। ये जो एब्सोल्यूट होता है यही तो एरर होता है, मेन एरर तो वही है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब भी हम लोग क्या करेंगे इसका भी मीन लेंगे ताकि वो मिरर जो एरर और कम हो जाए हम लोग का। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इसे मान लो डेल्टा ए बार लिख दिया बेटा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन। तो इससे हम लोगों ने ये लिख दिया बेटा, समझ पा रहे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखिए मेन तो ये होता है हमें परसेंटेज में चाहिए होता है एरर, क्योंकि आप देखो किसी भी वैल्यू को रियल में नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, रियल नंबर लिखने का क्या तरीका होता है। अगर हम लोग बात करें रियल नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपने देखा होगा बेटा ए मान लो ए एवरेज ही लिख दिया हमने, क्या लिखा बेटा ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज, यानी मीन। देखो एवरेज किसी नंबर को लिखने का यही तरीका होता है। आप बताओ जब मार्केट से कुछ भी आप परचेज करते हो तो क्या देखते हो उसमें, अरे इतनी परसेंट की एरर आई भाई, इतनी परसेंट आप मांगते हो, खुद ही कहते हो बता देते इतनी परसेंट की एरर आई है, इतनी परसेंट इम्प्योरिटी है, ऐसा बोला जाता है। तो हमें परसेंटेज में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मेन वर्किंग हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो देखिए बेटा ऐसे ही निकाला जाएगा किसी नंबर को, ठीक है। तो आइए देखिए, अगर हम लोग बात करें परसेंटेज एरर चाहिए हमें, क्या चाहिए परसेंटेज या रिलेटिव एरर बोलते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे रिलेटिव परसेंटेज एरर। क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या लिखेंगे बेटा, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ए बार इंटू हंड्रेड, ऐसा निकाला जाता बेटा, ठीक है। तो मेन यही होता, बस उसके बाद आ जाता है एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेशियो में जो होते हैं ऐसा होता, बट कुछ है नहीं, सिंपल सा आप इनको समझ चुके हैं तो आप ऑलरेडी कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए इसका यहाँ पे हमने थोड़ा वर्ड लिख रखा हूँ ऑलरेडी, है ना, इनको समझिएगा। देखिए हमने टॉपिक लिखा परसेंटेज, मतलब एरर, परसेंटेज एरर क्या होती, तो हिंदी में मैंने लिखा प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू प्रमाणिक मान का मतलब वही होता बेटा एक्चुअल वैल्यू, क्या चीज एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू इंटू हंड्रेड। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाएगी। तो एक बार और समझ लीजिएगा, प्रमाणिक मान डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया कि जो बड़ा होगा उनमें से हम घटा लेंगे छोटे वाले को, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रमाणिक मान और डिफरेंस प्रायोगिक मान अपॉन प्रमाणिक मान इंटू हंड्रेड, तो आपको मिल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। अब देखो परमिसेबल परसेंटेज एरर क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, है ना, अनुमेय
अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, तो इसको निकालने का तरीका यही होता बेटा, अधिकतम संभाव त्रुटि अपॉन माप, जो एक्चुअल के माप है जो आपने मेजर किया बेटा, जैसे आपने यही बात किया ना, यही बात किया तो वैसा ही। तो यहाँ पे माप में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू अधिकतम संभावित त्रुटि अपान जो माप की हो एक्चुअल के माप इंटू 100, तो ऐसे निकाल सकते हो बेटा, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया जेड इज इक्वल टू एक्स के पावर ए वाई की पावर बी अपॉन टी के पावर सी, हम लोगों ने मान लिया। तो इनमें हमें अधिकतम त्रुटि चाहिए यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करिए, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे बेटा। ये देखिएगा जो पावर होती है वो पावर आगे ले लो, फिर एक्स है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख लो, प्लस लगा दो, प्लस लगाते जाओ, चाहे डिवीजन हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम चाहिए ना। अब देखो बी है यहाँ वाई की पावर बी है, बी पहले लिख दो डेल्टा वाई अपॉन वाई लिख दो, प्लस जैसे सी नीचे था टी की पावर सी ऊपर लेके जाओगे भाई, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स की पावर ए वाई की पावर बी टी की पावर माइनस सी, तो इसका भी पावर आगे आ जाएगा, लेकिन हमें अधिकतम चाहिए तो प्लस सी लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, अगर माइनस है तो टेंशन नहीं लेना, उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। आइए एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं आपको। सपोज करिए कोई वैल्यू है पी, वो ऐसे रिलेट कर रहा, रिलेट का मतलब डिपेंड कर रहा, ए की पावर 3 बी स्क्वायर अपॉन डी अंडर रूट सी, ये भी आगे बोला कि ए बी सी के मापों में क्रमशः त्रुटियां कितना है, बोलो 1%, 3%, 4%, 2% है, तो पी में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। तो आइए बेटा बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, कुछ करना नहीं, तो देखो डेल्टा पी लिखो अपान पी लिखिए, और है ना मैक्सिमम चाहिए इंटू 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पावर कितना बेटा 3, तो मैंने 3 लिखा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी के पावर 2 है तो 2 को आगे लाओ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस लिखते जाओ, आंख बंद करके प्लस लिखो कभी नहीं गड़बड़, तो डी के पावर -1 होगा ऊपर ले जाओगे तो आगे ले आओ कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस रूट का मतलब होता है पावर हाफ डेल्टा सी अपॉन सी, अरे भाई रूट का मतलब होता पावर हाफ, ऊपर गया हाफ तो आगे ही आए ना, डेल्टा सी अपॉन सी लिखेंगे। तो चलो बताओ 3 into इसमें कितनी परसेंटेज क्या दे रखा, शायद 1 दिया, तो चलो 1 लिख दिया प्लस 2 into बी में 2 into 3 और प्लस 4 और प्लस 1.2 into 2, तो ये तो काट दो, तो 1% तो कितना है बेटा 3 + 6 + 4 + 1 6 कितना आ गया बेटा, एक बार आप लोग देखिए 3 हो गया, 3 × 2 = 6 14% आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड एक बार आप लोग चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 3 × 1 = 3 फिर 2 × 3 = 6 फिर वहां पे 4% हो जाएगा और 1/2 × 2 ठीक है बेटा। तो देखो ये 3 हो गया और एक 3 कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा और 4 हो जाएगा और प्लस के कटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 6 × 4 = 10 × 4 = 14 तो कितनी परसेंट की त्रुटि मिलेगी बेटा 14%, ये हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाए। तो है ना ये आप लोग के लिए यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि हम लोग बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे गाइस। तो मैं डेली मॉर्निंग में आप लोग के लिए एक अपना जो एक्सिस सीरीज है उसी के नेम से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा मॉर्निंग में, आप उठ के थोड़ा सा रिवीजन करके फिर स्कूल जाइए तो थोड़ी और एनर्जी के साथ जाएंगे तो मजा आएगा गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते ही जाइए और शेयर करिएगा जरूर सभी बच्चों के लिए ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। बेस्ट ऑफ लक गाइस।